ये राजस्थान के गांव में भाई गाय के दूध की चाय पी रही है भाई, बहुत बढ़िया बना रही है। खट्टे मिलेंगे आपको बहुत सारी मात्रा में गांव में। ये दोस्तों ऊपर की पैड़ी है भाई, इस साइड से कॉर्नर से निकाल रखी है। इस साइड है चकोर, यहाँ पे स्टील जो यूज करी जावे है गोड़, इनका टैल ना है इतनी भाई। एक खास बात और भाई, खिड़की चौड़ी दे रही है इनकी। वाह भाई वाह, दृश्य बहुत गजब का है। पैड़ी का साइज यो है, ये बाहर सुरक्षा के लिए पत्थर लग रहे हैं भाई, देख लो गांव की तो मौज नहीं आ रही है भाई, कमाल है। ये मकान दोस्तों 150 साल पुराना है। जो आप पोर्शन देख रहे हो इसमें मिट्टी का और पत्थर का यूज किया गया है, और जो सेपरेट देख रहे हो इसमें चूल्हा और आरा रखा जाए करता भाई। क्या बात है, ये अपने ताऊ जी मिल गए भाई, ईरा राम नाम बड़ा प्यारा है, ईरे की तरह चमक रहे हैं। उम्र कितनी होगी ताऊ जी अपनी? 80। ताऊ जी अपनी बोली समझ में आती है हरियाणा की आपको? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। आती है कुछ बरोबर, आपकी बोली में हमारी बोली में भाषा अलग है। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ये है जी राजस्थान के गांव भाई, और गांव में मकान देख सकते हो आप, कितने प्यारे प्यारे मकान हैं 360 एंगल से, बहुत ही गजब। और ये नया मकान बनने लग रहा है भाई, तो सारे मकान एक से हो रहे। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है भाई। तो आज आपने दिखावांगे राजस्थान का देसी अवेली टूर, हाउस टूर, तो उरे की जो खासियत है वो बताते हैं आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये दोस्तों मेन गेट हो गया भाई, इस तरह के गेट होते हैं भाई राजस्थान में मोस्टली। और अंदर चलते हैं, क्या बात है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्थर की भाई, तो पत्थर आपको सेम मिलेगा मोस्टली इस मकान में, देख लियो आप परलम देख लियो और परलम देख लियो, तो मतलब 99% सेम मिलेगा अपने पत्थर भाई। और पूरा मकान पत्थर का मिलेगा, अपनी साइड इंट यूज करी जावा है तो यहाँ पे पत्थर यूज किया जावा है। पत्थर 2500-2600 रुपये टन आता है, और ये पत्थर है जो मतलब वाइट ये भी यूज करते हैं, ये 70 रुपये के आसपास भाई, समलम में है ये। और ये पैड़ी होगी इस टाइप की, टोटली पत्थर भाई। एक बार बाहर का लुक दिखा देता हूँ मैं, और इस जो कोठे का निर्माण हो रहा है कुल खर्चा 1 करोड़ रुपये लग जाएगा भाई। और इसमें आप एक बार डिजाइन दिखाता हूँ, इस साइड में मंदिर टाइप का, बहुत सारे भाई मकान बनाने लग रहे हैं, तेजी का क्रेज हो रहा है भाई। तो ये मंदिर टाइप का डिजाइन है, बहुत गजब का डिजाइन है। और इस साइड देखो ये पिलर हो गए भाई, पिलर भी मोटे मोटे दे रखे हैं, और बाहर डिजाइन हो गया भाई, ये ऊपर का हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर टाइप हो गया पूरा भी, ठीक है कई भाई ना आइडिया मिलागा। और ये गेट का देखो भाई, ये भी कमाल लेकर रखे है, जबरदस्त फैंटास्टिक ऑथेंटिक एक्सीलेंट ऑसम एंड सो ऑन है। तो इस टाइप के भाई मंदिर टाइप से दरवाजे बनते हैं। और इस साइड का ये हो गया, और इस साइड का जो कमरा है वो दिखाते हैं आपको, कमरे खुले डुल्ले हैं भाई। और मिस्त्री जी घर परिवार? वाह जी वाह, क्या बात है भाई, मैंने कहा इतना छोटे भाई। तो ये भाई मकान का जो साइज है वो भी बड़ा, और कमरे भी बड़े, और दिल भी बड़ा। ईमानदार बंदे, शरीफ बंदे, राजस्थानी बंदे, लव यू मैं, थैंक यू वेरी मच मैं नियर डियर। और यहाँ पे हो गया एक कमरा भाई, डिजाइन भी पसंद आ जाता हमने, कही ना जरूरत पड़ जाए, ठीक है। आगे दो कमरे हो गए, और इस साइड लॉबी भाई, या लॉबी होगी, लॉबी भी खुली डुली है भाई। ये ऊपर का पोर्शन हो गया भाई इसका, छत का। और खाट देख सकते हो आप, इस प्रकार की यूज की जाती हैं। और एक कमरा और ली साइड हो गया भाई, ठीक है, ये कमरा मीडियम है। और स्लेब कई जने स्लेब को कटवा दिया अपनी साइड, ये होगी भाई अलमारी टाइप, एक खाना और छुटवा दिया, ठीक है। ये छत होगी, एक आली सी उरे छुटवा दी भाई, मतलब एक चीज जो देखने मिली मैंने, कई जगह खाने छुटवा रखे हैं, गन खरे मकाना में, बैर भी भीतर भी भाई। इस साइड देखो भाई, चौखट अपने टेमसर की पावेंगी, चौखट लाकड़ी की है, ठीक है, अपनी साइड जापानी चौखट यूज हुए हैं। फिर यो की करवा दिया अंडरग्राउंड भाई, अच्छा जी वाह जी वाह, एक आधी चीज आपने नहीं पाओगी हर जगह, चौखट करवा रखी है टेमसर की, यानी चौखट छोटी पाऊ रहा है, एक आधी चीज टेम गला सीखने ना मिलेगी, उरा फिर आला सूट गया भाई। तो उरा एक चीज देखो, अपनी साइड है चकोर, यहाँ पे स्टील जो यूज करी जावे है गोड़, यहाँ भी चीज नोट करने की है, नोट कर दे रही हो, ये तो चीज हम नया नया मकान दिखावा नहीं। अपना टैल लावा है 4 इंची 6 इंची 8 इंची, इनका टैल लावा इतनी भाई, देख लियो इस उसमें अपना, चाहे फिर जमा ऊपर तक ले 5 फुट तक है, लेकिन इनती ले रही होगी 2 फुट तक है, तो यह चीज भी नहीं है भाई, ठीक है, चुकर देख लियो आप। और पैड़ी होगी, सारे पत्थर है मोस्टली,
मोस्टली पत्थर, हर जगह पत्थर यूज कर रखे भाई, तो 1 करोड़ का बजट हो जाएगा इसका, क्योंकि सारे पत्थर है भाई, और उरे एक डिजाइन दे दिया है, कई भाई डिजाइन बनवाना पड़ता है नहीं मकान में, तो एक डिजाइन ही हो गया भाई, बाथरूम हो गया भाई, उरा फेर आला आ गया भाई, आले बहुत है, आली में दिवाली में मोड़ पे रोड पे जोड़ पे, क्या बात है, तरक्की हुई है भैया की। पैड़ी देखो, पैड़ी का साइज यो है, ठीक है, 10 नंबर का जूता हो गया, आप ले लियो। और जो चौड़ाई है या भी मतलब 4 बिलांत के आसपास, बड़ी बिलांत की बात करूँ मैं, तो ये परसों उठता है गया, और ऊपर चलते हैं, ये जाल हो गया भाई, अपना जाल थोड़े उसमें छोटा टाइप में, लेकिन इसके थोड़े बड़ा टाइप में दे रखी है, इसमें जो ये ग्रिल दे रखी है, ठीक है। और पत्थर का डिजाइन देखो, सारे A to Z सेम, पूरे भी यही लगागा, तो सारे मोस्टली वही, थोड़ा देखो सारे वही। ताऊ जी देखने लग रहे हैं, बच्चे गुड्डू कैसा है, हेलो कर दे, ताऊ जी ने हेलो कर दी। दोस्तों आपको सभी मकान इस प्रकार मिलेंगे राजस्थान में, तो यहाँ पे पत्थर का यूज किया गया है मोस्टली 99% A to Z भाई। तो ये बाहर का गेट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल सा लोहे का पेंट कर रखे इस पर, और यहाँ पे दिखाते हैं आपके जो फर्श है, ये भी बिल्कुल सारा पत्थर का है भाई, ठीक है। और जो मेन एंट्री गेट होता है इस टाइप का होता है, देखो लकड़ी का भाई, छोटे छोटे गेट होते हैं पुराने टाइम के, मतलब अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको बचा के। और एक बार आपको आउटलुक दिखा देते हैं पूरा पूरा किस टाइप से होता है, ये इस टाइप की हवेली टाइप सा होता है भाई। सभी मकान इस तरह के मिलेंगे आपको, बाहर ये डिजाइन दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है, बिल्कुल मतलब पुराने टाइम को ध्यान में रख के उसी प्रकार से, इस प्रकार के बाथरूम हो गए, इस प्रकार के गेट हो गए बाथरूमों में, ठीक है। अंदर दिखाते हैं आपको, अंदर चलते हैं एक बार। तो एक चीज़ हो रहा है, आप देखो पैरों के निशान लगा रखे हैं भाई, पत्थर हर जगह, ये वाइट पत्थर आ गया भाई, और इस टाइप के खाट, बड़ी बड़ी खाटें होती हैं भाई, और इस टाइप के यहाँ पे सोफे होते हैं, इस टाइप के पंखे मिलेंगे आपको मोस्टली घरों में। और इस गांव में तो आपको भाई सभी मकान मोस्टली एक जैसे ही, एक सा पत्थर मिलेगा मोस्टली 99%। और अंदर के गेट ही हो गए भाई, ये अंदर की लुक होगी भाई, इस टाइप से कमरे होते हैं, इस टाइप के वो दरवाजे होते हैं, और इस साइड दिखाते हैं आपको छोटे छोटे ताले भाई, और इस टाइप का लुक होता है सारा, ठीक है। और ये दरवाजे भले वक्ता में होया करते भाई, आज ये चीज़ें गायब होने लग रही है, ये कई सालों से टिका हुए हैं मंजे भाई। और परली साइड दिखाते हैं आपको, ये इस प्रकार के मंजे हो गए, अपनी साइड थोड़े से यूनिक हुए हैं, उरली साइड थोड़े बारी और लंबे पावेंगे। ये पुराने टाइम में पत्थर यूज किया करते, नॉर्मल से डिजाइन, ये डिजाइन होया करते भाई, ठीक है। खट्टे मिलेंगे आपको बहुत सारी मात्रा में गाँव में, जो राजस्थान के गाँव हैं, मतलब बिल्कुल देसी। और इस प्रकार की जो सामान रखने के लिए वो होती थी, और छोटे छोटे ताड़े, पुराने टाइम से ही कल्चर का पूरा पूरा ध्यान रखा जाने लग रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।